हेलो, आई एम डॉक्टर सोनल कोलते, क्लिनिकल डाइटिशियन, वेट लॉस एक्सपर्ट एंड होम्योपैथ। और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ कॉफी विद डॉक्टर सोनल सीजन 2। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो है बहुत ही खास, क्योंकि आम से खास होने का उनका सफर जो है बहुत डिफिकल्ट है। क्यों, उनसे ही जानेंगे। आज हमारे साथ है नैन। हाँ नैन, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू मैम फॉर द वार्म वेलकम। मेरा नाम नयन जायसवाल है, मैं प्रोफेशन से एक आईटी डेवलपर हूँ। मेरा एज 28 है एंड मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम लैपटॉप के सामने वॉकिंग में ही चले जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस सेडेंट्री लाइफ स्टाइल आई वॉन्टेड टू मेक अ चेंज टू माई लाइफ एंड मेक एन एज आउट ऑफ इट, सो आई केम टू डॉक्टर सोनल मैम। हाँ, तो नैन जब हमारे पास आए थे तो नैन का वेट थोड़ा ज्यादा था, और आईटी प्रोफेशनल, जैसे कि बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो आईटी से रिलेटेड काम करते हैं या सिटिंग जॉब उनका रहता है, वही दिक्कत उनको जा रही थी। तो नैन, बिफोर स्टार्टिंग डाइट प्लान, आपका लाइफस्टाइल किस तरह का था? तो बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल, मेरा जॉब टाइमिंग्स वाज अराउंड 9 to 6 या 10 to 12, ऐसा वेरी होता था टाइम टू टाइम। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा 9 to 8 आवर सिटिंग जॉब था, एंड उसके पहले देर वुड हैव बीन ट्रैवलिंग 1 आवर का, फिर 1 आवर का नाइट में ट्रैवलिंग होता था अगर मेरा लोकेशन दूर रहता था। उसके वजह से आई वॉन्ट एबल टू फोकस ऑन माई फिटनेस गोल्स, चाहे वो ट्रैवलिंग हो या कुछ भी हो। बट सिटिंग जॉब होने के कारण ईटिंग एंड सिटिंग ही होता था मोस्टली, एंड मेंटल स्ट्रेस अलग होता था। तो आई वॉज एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग, एंड उसके कारण आई पुट ऑन लॉट ऑफ वेट। आई रीच अराउंड 116 ड्यूरिंग दैट टेन्योर, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई फेस वेरी डिफरेंट इश्यूज। तो उसके वजह से आई डिसाइडेड टू मेक अ चेंज एंड आई एम हियर। सो जब हम नैन से मिले थे, नैन का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और इंसुलिन लेवल भी बहुत बढ़े हुए थे, एंड नैन इज जस्ट 27 ईयर। सो मैं थोड़ा वरीड हो गई। 115.5 से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, एंड इनके बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी। बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में थी, जैसे कि काम भी करना था, ट्रैवलिंग भी थी, टाइमिंग्स जो थे वो नाइट, जैसे यूएस के क्लाइंट ढूंढ के रहते हैं तो उनको बहुत, ये सब दिक्कतों के बावजूद नैन बहुत ही रेगुलर तरीके से डाइट फॉलो कर रहे थे, कम्युनिकेशन बहुत था। ये उनकी ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाइट हम करते हैं लेकिन जो रेगुलर पंक्चुअल होना चाहिए वो चीज़ मैंने नैन में देखी। तो नैन, डाइट करते वक्त जैसे कि आपको पता है फोटोज भेजने रहते थे, रेसिपीज थोड़ा सा डिफरेंट रहता था क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का इशू और इंसुलिन का इशू था, तो आपको क्या दिक्कतें गई उस टाइम पे? दिक्कतें एज इन मोस्टली वाज फॉर द टाइमिंग्स एंड रेसिपीज। टाइमिंग्स तो चलो विल मैनेज एनीथिंग, बट रेसिपीज, कमिंग टू द रेसिपीज, आर मॉम्स आर नॉट वेल एजुकेटेड अबाउट दिस थिंग। तो वो हमेशा अपना नॉर्मल फूड में कैसा ऑयल ले लेंगे या बटर ले लेंगे कुछ में, तो उस चीज़ में आई रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं बाबा मत डालो। लुक एट द रेसिपीज दैट मैम हैज शेयर, लुक एट द वीडियोज ऑन द यूट्यूब व्हाट मैम हैज शेयर, एंड क्रिएट द मील अकॉर्डिंगली। तो द वीडियोज दैट यू शेयर, द रेसिपीज यू शेयर, दैट वॉज रियली हेल्पफुल। थैंक यू। सो बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है हमारी हेल्थ, और उसके लिए 4 महीना 120 डेज अगर आप वही चीज़ कर रहे हैं तो बहुत इरिटेटिंग या बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ मुझे लगता है वेट लॉस की या डाइट की रहती है। लेकिन उसे पार करके जब आपका वजन कम होता है और यू स्टार्ट फीलिंग गुड, तो वो कैसा आपको लगा? क्योंकि मुझे तो बड़ा, मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ किसी का वजन या क्लिनिकली जब वो हेल्थ की तरफ जाते हैं, तो आपको आप में क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं? चेंज तो अमेजिंग है। लाइक सबसे पहले तो मतलब अगर किसी से मिलते हैं तो दे ग्रीट, एक ग्रीटिंग जो हमेशा आती है कि यार तूने वेट लूज कर लिया, तो दैट मेक्स अस प्राउड कि हाँ भाई कुछ तो अचीव किया विद इन 4 मंथ्स भी, या इतना वी आर गिविंग समथिंग 4 मंथ्स रेगुलरली सेम थिंग डूइंग सेम थिंग करने के बाद अगर कोई अप्रिशिएट करता है तो वो तो वेल गुड फील होता ही है। अलॉन्ग विद दैट बींग हेल्दी, क्लोथिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है हमें, मतलब 4XL 5XL क्लोथ चले जाते हैं, एंड फिर जब अभी देखा गया तो अभी 2XL 3XL में यू गेट अ वेरियस ऑप्शंस फॉर इट।
तो उसमें भी यू गेट अ वेराइटी आउट ऑफ इट, तो एक वो है. एंड अलॉन्ग विद दैट, बाई रिड्यूसिंग वेट एंड बींग एन हेल्दी, यू गेट एन डेली यू हैव एन एनर्जी एंड यू हैव अ गोल सेटअप डेली कि इतना इतना अचीव करना है. सो यू आर पुट इन दैट, यू आर देयर एट द बैक कि नहीं बाबा ये नहीं करना है, मतलब कभी ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो ये नहीं करना है. सो यू आर होल्डिंग योर बैक, बट दैट इज फॉर अ गुड थिंग. और हमने जो हम ट्रैवलिंग किट हमेशा हर हर एक को देते हैं कि ट्रैवलिंग के टाइम विद द चॉइसेस ऑफ राइट चॉइसेस ऑफ फूड होने चाहिए, तो वो आपको हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा लाइक? करेक्ट. सो अभी जैसे मेरा 1 वीक ये मंथ में, पिछले मंथ में भी मेरा 1-1.5 वीक ट्रैवलिंग था. तो व्हाट आई यूज टू डू वाज, अकॉर्डिंग टू मील, मेरा दोपहर में इफ आई हैव अ सैलेड या समथिंग, देन नाइट में आई वुड हैव अ सूप. सो दैट कि वो कंपनसेट हो जाए, थोड़ा ज्यादा ओवर ईटिंग ना हो, क्योंकि बाहर का तो रेस्टोरेंट से ही मुझे ऑर्डर करना था. तो आई वॉज मेकिंग श्योर कि मैं सैलेड्स खा लूँ या फिर हेल्दी लूँ. आई वॉज कैरिंग नट्स ऑल्सो, कि मखाना का डब्बा था, सो दैट कभी इन बिटवीन आई फील कि है सैलेड कभी लाइट हो गया तो आई वुड हैव मखानास एंड नट्स, तो वो हेल्पफुल था. नैन, आप नागपुर से हो और अभी तक आप पूना में काम कर रहे थे, हाँ राइट? करेक्ट. तो हमारे बारे में या डाइट डॉक्टर सोनल्स डाइट प्लान के बारे में आपको कहाँ से पता चला? तो व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है और तो वेट लूज, तो आई वाज सर्चिंग फॉर अ वेल नोन डाइटिशियन. सो मेरे कॉन्टेक्ट में नो वन वाज देयर कि जिसने पहले ये किया है. सो माय फर्स्ट रेफरेंस वाज गूगल ओनली, एंड ऑन गूगल डॉक्टर सोनल मैम वॉज ऑन द टॉप रेटेड लिस्ट एंड द रिव्यूज दैट आई रेड देयर वॉज फैंटास्टिक. एंड वाइल गोइंग रिव्यूज आई सॉ मेनी क्लाइंट्स, देर वेर मेनी पॉजिटिव रिव्यूज अबाउट हर एंड देर सेड लाइक येस हाँ, कि इतने मंथ्स में उनका जो टारगेट था अचीव हुआ. सो बाई लुकिंग दैट एट द रिव्यूज मैंने डिसाइड किया कि मैम से कंसल्ट करना नैन, 4 महीने हम साथ है. में रहे क्योंकि रोज का करेक्ट. डिस्कशन था, रोज का मैसेजेस हमारे चल रहे थे चैटिंग में, ग्रुप में। तो आपको कुछ स्पेशल लगा हमारे बारे में जो आप मेंशन, करेक्ट. स्पेशल और खराब जो भी, गुड और बैड जो भी आपको लगा? एक तो ये था कि जैसे हर एक मील का जो मुझे फोटो भेजना था दैट केप्ट मी मोटिवेटेड, कि अगर मैं वो मील स्किप करता था तो आई डिडंट हैव एनीथिंग टू सेंड अ पिक टू इट. एंड चलो समटाइम्स स्किप होता था, बट मैं अगर कुछ वर्स खा लेता था या फिर और कुछ आता था देन आई वुड हैव अ गिल्ट ऑन मी कि अरे यार मैंने आज फोटो भी नहीं भेजा. एंड देर वुड हैव बिन आस्क फ्रॉम दी मैडम ऑल्सो कि क्या हुआ आज का मील का. सो दैट गोज हैंड इन हैंड कि चलो वहां से पूछ रहे हैं एंड हैव टू रिप्लाई, सो अकॉर्डिंगली आई विल स्टिक टू माई प्लान. तो वो कॉन्स्टेंटली माइंड में रहता था तो आई वुड फॉलो एवरीथिंग. तो ये सबसे अच्छा था कि कम्युनिकेशन वॉज वेरी क्लियर कि ये करना है, ये ऐसा होना चाहिए. तो आई वॉज एबल टू स्टिक ऑन दैट थिंग. अगर कम्युनिकेशन नहीं रहता, एक बार प्लान सेंड कर दिया तो कुछ नहीं रहता, देन आई वुड माइट हैव डेविएटेड फ्रॉम माई टारगेट, बट वो नहीं हुआ. तो सबसे अच्छा वो है. देन रेगुलर अपडेट्स आस्क, जैसे मेरा था कि क्या फूड प्रेफरेंसेस होना चाहिए, वेज नॉन वेज क्या नहीं चलता है अकॉर्डिंग माई प्रीवियस हेल्थ, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा डाइट प्लान क्रिएट होता था. सो दैट वॉज रियली हेल्पफुल कि मेरे मनपसंद चीजों से ही आई वॉज हैव अ डाइट प्लान, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं गया. नाइदर आई वॉज फीलिंग लो ड्यूरिंग माई टेन्योर, इट वॉज ऑल फुल फुल वाला थिंग. सो इट वॉज रियली ग्रेट. अच्छा, और मेरे बारे में और एक चीज ऐसी बोली जाती है कि मैं बहुत डांटती हूँ तो लोग ना मुझे मुझसे डरते हैं। तो ये 4 महीने में मैंने आपको कितने बार डांटा मुझे तो है? एक भी बार नहीं डांटा होगा, मैंने कभी ही नहीं देखा कभी. इज अ गुड स्टूडेंट एक्चुअली, अदरवाइज लोग पता नहीं मुझसे डरने लगते हैं एंड में कि मैडम डांटेगी। मुझे तो एक भी बार ऐसा लगा नहीं कि मैम अगर कुछ गलत बोल रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, मुझे तो कभी नहीं फील हुआ मतलब सो सारे. ही इज अवर एक्सेलेंट स्टूडेंट, तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है तो हमको डांटना पड़ता है, बाकी अदरवाइज मैं नहीं डांटती। सी जो भी मेरे बाकी के लोग देख रहे हैं, मैं नहीं डांटती हूँ अगर आप अच्छा करते हो तो। बहुत जरूरी है खुद के बारे में सोचना क्योंकि आपकी हेल्थ आपके लिए वेल्थ लाती है। तो जब भी आप सोचो कि मुझे हेल्थ या फिटनेस की तरफ जाना है तो जरूर ये चीज के बारे में सोचिए कि आपको हेल्थ बहुत सारी चीजें देके जाएगी, फीलिंग ऑफ यू नो फुल ऑफ लाइफ,
लाइफ जीने का एक जो तरीका है या एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ अगर लेना है तो आपको हेल्दी और फिट होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज जो है दिमाग में फिट बिठा लीजिए, और आज का जो ये शो है हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू।